तो फ्रेंड्स, आजकल ओरियो बिस्किट बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, बच्चों को ही क्या बड़ों को भी बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो इंस्टेंट ओरियो बिस्किट चोकोबार आइसक्रीम की रेसिपी है, जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 ओरियो बिस्किट्स के पैकेट, ये छोटे वाले ओरियो बिस्किट्स के पैकेट हैं। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट, कुछ मैंने यहाँ पीनट्स लिए हैं, ये 50 ग्राम है, और 1 कप मिल्क। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ओरियो बिस्किट के छोटे वाले जो पैकेट आते हैं वो लिए हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसको ये बेलन से क्रश कर लेंगे बिस्किट को, सबको अच्छे से इस तरह से। ये आइसक्रीम बनाना फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा आसान है, और बच्चों को तो ये आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ओरियो बिस्किट तो बच्चों के आजकल बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो चुके हैं। और इन्हें इसी तरीके से हम सब बिस्किट को क्रश करेंगे। तो इन सब बिस्किट्स को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इनके पैकेट को हम इस तरह से कट करेंगे, और पैकेट में ही आइसक्रीम हमें बनानी है, तो पैकेट को हमें इसके फेंकना नहीं है। ये जो रैपर है इनके, देखिए इस तरीके से हम लेंगे। और ये जो मैंने यहाँ कांच के छोटे ग्लास का यूज कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो कोई भी बाउल या स्टील की कोई भी ग्लास का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से लगा लेंगे, इसको रख देंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें सबको ग्लास में रख दिया है, बिस्किट्स के पैकेट को। और अब यहाँ पर मैंने लिया है दूध, ये रूम टेम्परेचर पर है, तो अब इसके अंदर हम डालेंगे, बिकॉज इसमें शुगर की तो जरूरत होती ही नहीं है डालने की, क्योंकि काफी तेज मीठा इनमें होता है बिस्किट्स में। तो अब यहाँ इस तरीके से हम इसमें दूध डालेंगे, और इसको ज्यादा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे दूध को, वरना ये बाहर निकल आएगा। और इस तरह से मिलाने डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। तरीके से मिक्स करना है इसे। और अब मिक्स करने के बाद में यहाँ ये मैं वुडन स्टिक ले रही हूँ, ये लेंगे, इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे बस, और इसे फ्रीजर में हमने रखना है। तो फ्रीजर में रखने से पहले एक बार और मैं आपको फिल करके इसे बता देती हूँ। तो यहाँ मैंने ये रैपर लिया है, और इसके अंदर मैं दूध डाल रही हूँ, और इस दूध को हमें ज्यादा फिल नहीं करना है इसमें ऊपर तक, वरना ये बाहर निकल आएगा। और अब इस दूध डालने के बाद में इसमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स ये आइसक्रीम बनाना बहुत ज्यादा आसान है, और इसके लिए आपको किसी आइसक्रीम मोल्ड की भी जरूरत नहीं है, और आप इसी रैपर में इसको आइसक्रीम को बना सकती हैं, और ये बच्चे भी आराम से बना सकते हैं आइसक्रीम, कोई मुश्किल काम नहीं है इसे बनाना। और ये स्टिक में इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देंगे हम, और बस इसे ओवरनाइट हम फ्रीजर में रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम हमने फ्रीजर से निकाल ली है, और ये अच्छे से सेट भी हो चुकी है बिल्कुल। देखिए आपको मैं कट करके दिखाती हूँ इसको, एक को तो इस तरह से हम कट करेंगे यहाँ रैपर को, बहुत आसानी से निकल जाती है। ये देखिए इस तरह से रैपर हमने कट कर लिया है, और ये अभी इतनी यमी लग रही है, अभी तो हमने इस पे चॉकलेट की लेयर भी नहीं लगाई है, और जब चॉकलेट की लेयर लगाएंगे तो सोचिए जरा कितनी ज्यादा डिलीशियस बनेगी आइसक्रीम। तो देखिए ये आइसक्रीम मैंने सब निकाल ली है रैपर में से, तो इन्हें एक साइड में रख देंगे हम। और अब यहाँ पर मैंने लिया है ये चॉकलेट, जिसको मेल्ट कर लिया है, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रश की हुई पीनट्स, इनको डाल देंगे, क्योंकि चॉकलेट और पीनट्स बहुत ही अच्छी लगती है जायके में। तो यहाँ हमने पीनट्स डाल दिए, और उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, डालेंगे अच्छे से मिक्स कर देने। और बच्चे तो चॉकलेटी आइसक्रीम के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं, तो बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और अब एक आइसक्रीम लेंगे हम, और इसको इस तरीके से डिप कर देंगे चॉकलेट में। कितनी यमी लग रही है देखिए फ्रेंड्स ये आइसक्रीम, और इसी तरह से बाकी आइसक्रीम भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए इन सब आइसक्रीम को मैंने अच्छे से चॉकलेट से कोट कर दिया है, अब इनको हम फ्रीजर में रख देंगे फिर से 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद इन्हें हम फ्रीजर से बाहर निकालेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हमने फ्रीजर से निकाल लिया है और हमारी कितनी यमी आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। तो देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है ये देखने में, और खाने में उतनी ही अच्छी है खाने में भी। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।